कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक सभी पर बड़े बड़े बयान दिए हैं। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के मिनट कैबिनेट के गठबंधन के बाद कांग्रेस के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, जिन पर मुन्ना लाल गोयल ने पलटवार करते हुए कहा है, सिंधिया जी के कारण ही मैं कांग्रेस में गया। बार बार हारने के बाद भी सिंधिया जी ने ही कांग्रेस में टिकट दिलवाया, इसके चलते ही मैं विधायक बना। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लगातार उनकी अनदेखी की गई, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि जनता से सिंधिया का चेहरा दिखाकर ही वोट लिए गए। उसके बाद जब पीसीसी चीफ की बात आई तो उन्हें नहीं बनाया। क्या राज्यसभा में भी उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था? इसके बाद भी वो लगातार जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने वचन पत्र की याद मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिलाई तो कमलनाथ अहम के मारे सिंधिया को ललकार रहे थे। उन्होंने सिंधिया जी को सड़क पर उतरने के लिए कहा, हमारे नेता कोई सड़क छाप नहीं है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज कांग्रेस की सरकार गिरी है तो सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कारण। दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट ने ही कमलनाथ की सरकार को गिराने का काम किया है। मुन्ना लाल गोयल ने अंचल की सभी सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत की वजह से कांग्रेस को ग्वालियर चंबल की सभी सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस मजबूत होकर सत्ता में आई, लेकिन आपसी गुटबाजी और खींचतान ने सिंधिया को पार्टी से अलग होने का निर्णय लेने पर मजबूर किया। इसके बाद सिंधिया समर्थक विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया। लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा रही है और सिंधिया कमलनाथ पर यह बड़ा बयान मुन्ना लाल गोयल ने दिया है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।